परिसर अध्ययन एक पाठ पांच घर घर में पानी। थोड़ा सोचो, हमें किन कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता किन किन कामों में होती है? पहला तो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए, धोने के लिए, इसके अतिरिक्त पौधों को देने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, कारखानों में साफ सफाई के लिए, कारखानों में भी पानी की आवश्यकता होती है, तथा बांध बनाकर जो पानी रोका जाता है उससे बिजली तैयार की जाती है, तो बिजली के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अब नीचे ये जो चित्र दिए गए हैं, देखो ये मटका है, ये भी सुराही जैसा है, हाँ, पानी निकालने के लिए इधर बना हुआ है, ये फिल्टर है प्लास्टिक का, वो ऊपर पानी भरा रहता है, उसमें से पानी साफ होकर के नीचे छनकर आता है, तब टोटी से निकाला जाता है। ये पानी की टंकी है, ऊपर शौचालय के ऊपर या किचन के ऊपर इसको लगाते हैं, जब नल में पानी नहीं आता तब इस पानी का उपयोग किया जाता है। ये हंडा या कलसा, ये स्टील की टांकी, स्टील को इस्पात कहते हैं, ठीक है। हमें पानी की निरंतर आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता अनुसार पानी मिलता रहे उसके लिए उसे घर में संचित करके रखना पड़ता है। संचित करके क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि घर में 24 घंटे पानी नहीं आता, एक निश्चित समय पर ही नल में पानी आता है, इसलिए पानी को 24 घंटे पानी का उपयोग सही ढंग से हो, अतः हमें पानी को इकट्ठा करके किसी बर्तन में रखना पड़ता है। बहुत पहले पानी के संचय के लिए पीतल अथवा तांबे के हंडों, कलसों और मिट्टी से बने घरों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त घर घर में हौज और टंकियां भी बनाई जाती थी, परंतु वर्तमान समय में पानी का संचय करने के लिए अक्सर किसका उपयोग करते हैं? इस्पात तथा प्लास्टिक से बने बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इस्पात स्टील। पीने के पानी के प्रति सावधानी, जो पीने वाला पानी है उसके प्रति हमें सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए उसके बारे में बताया। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पानी का अहानिकर होना आवश्यक है, पानी शुद्ध होना चाहिए। यदि हम दूषित पानी पीते रहें तो उससे रोग होने की संभावना बढ़ती है, इसलिए पीने तथा भोजन बनाने के लिए पानी का संचय करते समय विशेष सावधानी रखी जाती है। पीने के पानी तथा भोजन बनाने में उपयोगी पानी के बर्तनों को हम कैसे रखते हैं? ढककर रखते हैं, जिससे पानी में धूल मिट्टी या अन्य कचरा उड़कर न पड़े। बर्तन में हाथ डुबोकर पानी निकालने से हाथों में लगी गंदगी पानी तक पहुंच जाती है, इससे पानी गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है और हानिकारक बन जाता है। इसलिए बर्तन में से पानी निकालने के लिए लंबे हत्थे वाले कलछे का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ कलछा है, डंडी लगी हुई है और नीचे गिलास जैसा बना है। पानी निकालने के बाद उस पर तुरंत ढक्कन रख देते हैं, बंद कर देना चाहिए उसको, ढक देना चाहिए। ऐसा करने से पानी की बर्बादी नहीं होती और पानी निकालना सही रहता है। अब सबसे आसान तरीका, सबसे सही तरीका बर्तन में से पानी निकालने का है कि बर्तन में टोटीदार नल लगा होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ मटके में लगा है, यहाँ स्टील की टांकी में भी नीचे नल लगी रहती है, ठीक है। जब पानी से भरे हुए बर्तन का पूरा पानी समाप्त हो जाता है तब उसमें से फिर उसमें दोबारा पानी भरने के लिए उसे अच्छी तरह धोकर स्वच्छ करते हैं, बाद में उसमें पानी भरते हैं। ऐसा करने से हमें लगातार हमेशा साफ पानी मिलता रहता है, पानी कभी बासी नहीं होता। घर में पिछले दिन भरकर रखा गया पानी कुछ लोग अगले दिन फेंक देते हैं, इसके बाद
दूसरे दिन फिर से बर्तन में पानी भरते हैं। उन्हें लगता है कि पानी बासी होता है, परंतु यह समझना पूरी तरह गलत है। पानी फेंकने का अर्थ है अच्छे पेयजल को व्यर्थ करना, बर्बाद करना। पानी गंदा हो जाए तभी पीने के अतिरिक्त दूसरे काम में भी उपयोग कर लेना चाहिए। थोड़ा सोचो, पानी भरकर रखने के लिए इस्पात तथा प्लास्टिक के बर्तनों को लोग अधिक क्यों पसंद करने लगे हैं, क्यों पसंद करते हैं? इस्पात के बर्तन टिकाऊ होते हैं तथा प्लास्टिक के बर्तन टिकाऊ के साथ साथ हल्के होते हैं। करके देखो, यह प्रयोग किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता से करो। प्लास्टिक की एक बोतल लो, उसके ऊपरी सुंडाकार भाग को काट दो। उस बोतल में चारों ओर तथा तली में छोटा थोड़ा सा ऊपर, तली के ऊपर थोड़ा सा दो तीन अंगूठ चार अंगूठ छोड़ के छेद बना दो। अब इसमें रिफिल समझते हो ना, जिससे पेन से हम लिखते हैं उसमें रिफिल में स्याही भरी रहती है, उसको जब खाली हो जाती है, या एक्स्ट्रा ले लो ठंडा पीने वाली नली, उसको उस छेद में लगा देते हैं। ठीक है, और जब पानी उसमें भरेंगे तो क्या दिखाई देगा? तो एक्स्ट्रा या नली जो बोतल में लगाई गई उसमें से पानी बाहर आने लगता है। इसका उपयोग करके बिल्डिंग में या गांव में घर घर पानी पहुंचाने के लिए ऊंचाई पर बनाई गई टंकियों में से पाइपों द्वारा पानी का वितरण किया जाता है और पानी नल से घर घर में पहुंचता है। मकानों और बड़ी इमारतों की छतों पर सीमेंट अथवा प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियां बैठाई जाती हैं। नलों की सहायता से इन टंकियों का पानी उस मकान या इमारत के स्नान घरों, रसोई घरों इत्यादि तक पहुंचाया जाता है। नलों में टोटियां लगी होती हैं, जिससे जितना पानी चाहिए उतना लेने के बाद टोटी बंद कर देना चाहिए। अगर पानी मतलब टोटी नहीं बंद करेंगे तो पानी बर्बाद होता है। ऐसी व्यवस्था करने पर ही एक इमारत में एक टंकी द्वारा सभी घरों में पानी पहुंचाया जाता है। गांव के पानी की आपूर्ति। तालाब, नदियां और बांध इत्यादि पानी के स्रोत हैं। ये स्रोत हमारे घरों से पर्याप्त दूर हो सकते हैं। वहां से सीधे पानी लेकर आने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त इन स्रोतों का पानी जैसा का वैसा घरों में पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा, ये जरूरी नहीं है। पानी दूषित भी हो सकता है, इसलिए गांव के समीप का कोई बड़ा स्रोत देखा जाता है। किसी नहर अथवा बड़े जलवाहक की सहायता से संपूर्ण गांव के लिए एक ही स्थान पर पानी लाया जाता है, उसे वहां पीने के लिए अहानिकारक बनाया जाता है। अहानिकारक पानी को कैसे बनाते हैं? पानी में क्लोरीन मिलाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं उसको मिलाते हैं। लेकिन बड़े जल स्रोत जो हैं, बड़े जलवाहक जहां पर पानी बहुत ज्यादा सप्लाई करना है, ऐसे पानी को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीकरण की विधि का उपयोग करते हैं। ऑक्सीकरण मतलब एक बड़ी मशीन लगा दी जाती है पानी के बीचों बीच और वह पानी को ऊपर उछालती है, फवारे के रूप में पानी ऊपर जाता है जिससे उसमें हवा मिल जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलने से पानी शुद्ध हो जाता है। ऐसे स्थानों को जल शुद्धिकरण कहते हैं, जल शुद्धिकरण केंद्र। इस क्रिया को जल शुद्धिकरण और जहां पर जल शुद्ध किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, उसको जल शुद्धिकरण केंद्र कहते हैं। और जल शुद्धिकरण केंद्र से पाइपों द्वारा पानी घर घर पहुंचाया जाता है। पहले वहां से मोटी पाइपों द्वारा पानी ऊंचे स्थानों पर बनाई गई टंकियों में लाया जाता है और उन टंकियों से पानी छोटी पाइपों द्वारा, पतली पाइपों द्वारा घर घर पहुंचाया जाता है। इसी को जल वितरण कहते हैं। हम जानते हैं कि पानी अपने स्तर से
निचले स्तर की ओर बहता है, परंतु यदि ऊपर की ओर ले जाना हो तो बल लगाना पड़ता है। उसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस यंत्र को जो पानी ऊपर की ओर प्रवाहित करता अर्थात चढ़ाता है उसे मोटर पंप कहते हैं। मोटर पंप चलाने के लिए डीजल या बिजली का उपयोग करते हैं। बिजली की सुविधा है तो बिजली से चलने वाला मोटर लगाते हैं, नहीं तो डीजल से चलने वाला इंजन लगाकर उससे पानी ऊपर चढ़ाते हैं। बिजली की खोज होने से पहले पानी को अधिक ऊंचाई पर ले जाना संभव नहीं था, परंतु आज बिजली से चलने वाले यंत्र की सहायता से हम ऊंचाई तक पानी ले जा सकते हैं। इसलिए अब ऊंची टंकियों में पानी संग्रहित किया जा सकता है। वहां से लंबी दूरी तक के गांवों अथवा शहरों को पानी की आपूर्ति की जा सकती है। जल शुद्धिकरण केंद्र का पानी घर घर पहुंचाने से पहले ऊंचाई पर स्थित किसी टंकी में संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार टंकी का पानी बड़े नलों से छोड़ते हैं। ऊंचाई पर स्थित टंकी के नल से कई शाखाएं निकलती हैं। वे शाखाएं टंकी के सभी ओर स्थित अलग अलग बस्तियों में पहुंचाई जाती हैं। बस्ती तक पहुंचने के बाद प्रत्येक शाखा से क्रमशः कुछ और छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, मतलब छोटे छोटे पाइप, पतले पाइप मोटी पाइप में जोड़े जाते हैं। अंत में पतली पाइपों की सहायता से पानी घर घर पहुंचाया जाता है। कुछ स्थानों पर किसी बस्ती के लिए दो या तीन सार्वजनिक नल होते हैं। आसपास के लोग वहां कर अपने परिवार के लिए आवश्यक पानी भर भर कर ले जाते हैं। जिनके घरों में पानी नहीं आता वे सार्वजनिक नल का उपयोग पानी भरने के लिए करते हैं। जैसे मंदिर के पास सार्वजनिक नल लगी है, मस्जिद के सामने भी लगी है, उस पानी का उपयोग कोई भी कर सकता, सब लोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ऊंचाई पर टंकी बनाई गई है, यहाँ से पानी मोटे पाइप द्वारा नीचे लाया गया है और इन मोटे पाइपों से फिर पतले पाइप जुड़े हैं। इन पतले पाइपों से पानी यहाँ बिल्डिंग तक या इमारत तक या गांव तक लाया जाता है, फिर वहां से पतले पतले पाइप द्वारा पानी घर घर में पहुंचाया जाता है। पानी के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, इसलिए जहां तक संभव हो पानी के स्रोत मानव बस्तियों के समीप होने चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में नगरों का स्थान बड़ी नदियों के किनारे पर होता था। हमारे देश में ऐसे बहुत से महानगर हैं। उत्तर भारत में हमारे देश की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसी है। बिहार में गंगा नदी के तट पर पटना और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर बसे हैं, जो इस प्रकार के प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। आज भी कुछ बस्तियों में लोग कुओं अथवा नलकूपों से पानी निकालते हैं, परंतु ऐसे पानी को अहानिकर बनाना पड़ता है। यदि कुएं का पानी पीने के लिए हानिकारक होने की संभावना हो तो उसे उबालकर ठंडा होने पर पी सकते हैं। उसे ऐसा कर लेना चाहिए जिससे स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा न हो। कुछ स्थानों पर टैंकरों द्वारा पानी का परिवहन करके बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जाती है। पानी का टैंकर देखो, जहाँ पर अक्सर टैंकर का उपयोग गर्मी के दिनों में अधिक होता है, जहाँ जब पानी की कटौती शुरू हो जाती है तो कुछ बस्तियों में पानी दो दो तीन तीन दिन के बाद आता है, या समय पर नहीं आ पाता या बहुत कम आता है, तो टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। ठीक। जल का शुद्धिकरण तथा उसे ऊंचाई पर टंकी में पहुंचाने की क्रिया में बहुत से लोग काम करते रहते हैं। वहां के यंत्रों को चलाने के लिए बिजली या डीजल जैसे ईंधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, इसलिए स्वच्छ पानी एक मूल्यवान पदार्थ बन जाता है। हम जिस प्रकार मूल्यवान वस्तुओं को सहेज कर रखते हैं, उसी प्रकार हमें पानी को भी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। भर कर रखा हुआ नल का पानी
व्यर्थ न जाने दें और खराब भी न होने दें। पानी की बचत कैसे करें, उपाय कुछ दिया गया है। मुंह धोने के लिए लिया गया पानी बच जाए तो तुम उसे फेंक देते हो या फिर से उपयोग में लाने हेतु वैसा ही रखते हो, तो अधिकांश लोग फेंक देते हैं, जबकि उस पानी को पौधे में डाल देना चाहिए जिससे पानी का उपयोग हो जाए, पानी बेकार न जाए। प्रतिदिन सुबह तथा रात में दांतों को स्वच्छ करते समय नल का पानी बहने देते हो या बीच बीच में नल बंद करते हो, तो नल को बीच बीच में बंद करना चाहिए या किसी बर्तन में पानी लेकर तब हमें दांत साफ करने चाहिए। सब्जियां फल आदि धोने के बाद उस पानी को फेंक देते हो या पौधों को देते हो, तो उस पानी को पौधों को देना चाहिए, पानी को फेंकना नहीं चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। बर्तन घिसते समय नल को पूरा खोलकर पानी बहने देते हो या जब बर्तन धोना हो तभी नल खोलते हो, तो बर्तन घिसते समय नल को हमेशा खोलकर नहीं रखना चाहिए, इससे पानी बहता है, बर्बाद होता है। किसी बर्तन में, बाल्टी में, टब में पानी लेकर बर्तन धोना चाहिए या बर्तन को पहले घिस लेना चाहिए, साफ करके रख देना चाहिए और तब नल चालू करके उसमें बर्तन को धोना चाहिए। ठीक, अब यह पाठ यही समाप्त होता है। आगे हम प्रश्न उत्तर हल करके भेजेंगे। धन्यवाद।